ज्यादा नहीं, थोड़े से शब्दों में हम आपको समझाना चाहेंगे। जैसे कि किसी ने हमको गाली दी, तो वो गाली, वो कहे हुए कट वचन हमको बड़ा बुरा लगे, बड़ा बहुत बुरा लगेगा कि सामने वाले ने हमको गाली दी या सामने वाले ने हमारा सम्मान न करके अपमान किया, तो हमको बहुत बुरा लगता है। और अगर हम चाहते हैं कि हम कोई अधर्म न करके धर्म करें, जो व्यवहार आपको सामने वाले का अच्छा नहीं लगता है वो अधर्म है। तो आप जान लो, जब गाली सुनना हमको पसंद नहीं है, कट वचन सुनना हमको पसंद नहीं है, तो कट वचन गाली हम सामने वाले या दूसरे व्यक्ति को कभी नहीं दें। ये तो देना अधर्म है और न देना धर्म है। एक बार एक छोटा सा बालक सड़क के किनारे पर गड्ढा खोद रहा था। परीक्षित महाराज सड़क के किनारे पर गड्ढा खोद रहा था, तो जब रास्ते से दो पति पत्नी निकले, तो दोनों ने उस बालक को गड्ढा खोदते हुए देखा। दंपति ने बालक को गड्ढे को खोदते हुए देखा, तो वो उस बालक से कहने लगे, अरे बालक, तू सड़क के किनारे पर गड्ढा क्यों खोद रहा है? इस रास्ते से आने वाला कोई इस गड्ढे में गिर जाएगा, किसी की मृत्यु हो जाएगी, तू गड्ढा क्यों खोद रहा है? तो उस बालक ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि मैं सड़क के किनारे थोड़ी सड़क के किनारे गड्ढा खोद रहा हूँ, मैं सड़क पर गड्ढा नहीं खोद रहा हूँ। जो सड़क पर जाएगा वो इस गड्ढे में नहीं गिरेगा, लेकिन जो सड़क पर न चलकर सड़क के किनारे चलेगा वो गड्ढे में गिर जाएगा। तो दोनों को उस बालक की बात बड़ी अच्छी लगी। दोनों ने पूछा, अरे बेटा, तुम रहते कहाँ हो, तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है? तो उस बालक ने कहा कि मेरे न तो कोई माता पिता है, मैं अनाथ हूँ, और जहाँ मुझे लाड़ प्यार मिलता है मैं वहीं रह लेता हूँ। तो उनको बड़ी खुशी हुई, उनके घर में कोई संतान नहीं थी, और वह उस बालक को अपना बेटा मानकर उससे कहने लगे, मेरे घर में कोई संतान नहीं है, क्या तुम मेरा बेटा बनकर मेरे घर चलोगे? तो उस बालक ने कह दिया, मैं चलूंगा और मैं तुम्हारे घर में तब तक ही रहूंगा जब तक मुझे तुम्हारे घर में प्यार मिलेगा। दोनों को प्रसन्नता हुई और उस बालक को अपने घर ले जाने लगे। उनके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, तो भगवान की कृपा से कुछ समय बाद उनके घर में अपना बेटा जन्म लेता है। जब उनके घर में कई वर्षों बाद कभी संतान, उनके घर में कम से कम दसियों वर्ष हो गई घर में संतान ने जन्म नहीं लिया, और उस बालक के जाते ही उनके एक अपना पुत्र पैदा हो जाता है, तो आपस में दोनों बातें करते हैं कि इस बालक के पैर कितने अच्छे हैं, चरण कितने अच्छे हैं, इसके आते ही हमको अपनी खुद की संतान मिल गई, बहुत प्रसन्न हुई। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे, आपस में बड़ा प्रेम है। तो कुछ समय बाद वो माँ जो थी वो उदास रहने लगी, मन में ये विचार करने लगी कि अगर इस बालक को मैं सड़क से उठाकर नहीं लाती तो इस पूरी संपत्ति का अधिकार मेरा बेटा बनता, लेकिन अब दो बेटे हैं तो जो भी धन संपत्ति है उसका बंटवारा होगा तो वो दो हिस्से में बट जाएगी। चिंता करने लगी, तो एक दिन उसके पति ने पूछ लिया, क्या बात है, तुम बड़ी चिंता करती हो? तो उसने कहा कि अगर हम इस सड़क से उठाए हुए बालक को नहीं लाती तो इस पूरे संपत्ति का अधिकारी हमारा बेटा बनता। तो उसी समय वो कहने लगा, तू चिंता क्यों करती है, जिस प्रकार से हम उसे उठाकर लाए थे उसी प्रकार से हम उसे वहीं पहुंचा देंगे, तू चिंता ना कर। उसके ठीक दूसरे दिन छोटे वाले बेटे का जन्मदिन है, और जन्मदिन पर उन दोनों ने एक पूजा रखी
और पूजा रखने के बाद उस बड़े बेटे से कहा कि तुम जा करके एक बगिया में से कुछ फूल लेकर के आओ पूजा के लिए। तो बड़ा बेटा जाता है फूल लेने के लिए बगिया में से, और जब बगिया से फूल लेने के लिए घर से निकला तो रास्ते में छोटा भाई मिल जाता है। वो पूछने लगा, अरे भैया तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा, आज तुम्हारा जन्मदिन है और तुम्हारे जन्मदिन के लिए माँ ने पूजा रखी है, मैं फूल लेने जा रहा हूँ। छोटा सा बालक जिद करने लगा, नहीं भैया मेरा जन्मदिन है, मेरी पूजा है, तो फूल लेने भी बगिया से मैं ही जाऊंगा। और वह अपने बड़े भाई को रोक देता है और स्वयं बगिया में चला जाता है। जैसे ही बगिया में पहुंचा, वहां पर कुछ लोग बैठे हुए थे और उन्होंने उस बालक को देखा और उसके तीन चार टुकड़े करके उसे मार दिया। जैसे ही मारा, इधर बड़ा बेटा लौटकर जब घर में प्रवेश करता है, दोनों ने देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूछने लगे, क्या तू बगिया में फूल लेने के लिए नहीं गया? तो वह कहने लगा, नहीं, हमें रास्ते में छोटा भाई मिल गया, वह फूल लेने के लिए चला गया, उसने मुझे नहीं जाने दिया, मैंने बहुत मना किया लेकिन वो नहीं माना। जैसे ही दोनों ने ये सुना कि वो नहीं माना, दौड़ करके वो बगिया में जाते हैं तो बालक के तीन टुकड़े मिले। आज वो मैया रुदन करने लगी कि जैसे तैसे मुझे एक बेटा मिला था, वो भी इस दुनिया को छोड़कर चला गया। दोनों लौटकर घर आते हैं तो देखा, जो सड़क से उठाकर जिस बालक को लाए थे, वो भी अपने वस्त्रों को इकट्ठा करके वो भी जाने लगा। तो जब वो सारे वस्त्र सारा सामान ले करके जब घर से निकलने लगा तो वो दुखिया माँ कहने लगी, अरे लाल अब तू कहाँ जा रहा है? मैंने जिसे जन्म दिया वो तो मुझे छोड़कर चला गया, अब तू मुझे छोड़कर न जा। तो उस समय वो बालक कहता है, हमने जो सड़क के किनारे पर गड्ढा खोदा था, वह गड्ढा तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ही खोदा है। अब तुम्हारे पास कोई जगह नहीं है, तुम जा करके उसी गड्ढे में गिरो जाके, क्योंकि कहा जाता है जो धर्म के रास्ते पर चलता है, जब तक वो धर्म पर चलते रहे तब तक भगवान ने भी उनका साथ दिया, और जैसे ही वो अधर्म के रास्ते पर चलने लगे तो भगवान ने भी उनका साथ छोड़ दिया और वो बालक भी उनका साथ छोड़कर चला जाता है। तो दुनिया भर के जीव इस पृथ्वी पर आते हैं तो सब पृथ्वी पर चलते हैं, सब धरती पर चलते हैं, लेकिन ये मनुष्य ही ऐसा है जो धर्म पथ पर चलता है, और जो धर्म पथ पर चलता है धर्म उसकी रक्षा करता है, और जो अधर्म पथ पर चलता है तो अधर्म उसे खा जाता है। हमेशा लोगों को धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। बोलिए।